बंगला नंबर 50 क्षेत्र में 40 वर्ष पुराने हरे पेड़ काट कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के कारण गायत्री मंदिर मार्ग के व्यापारियों में आक्रोश फैल गया। सभी व्यापारियों द्वारा एकमत होकर आज गुरुवार दोपहर 2 बजे जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल को हरे पेड़ को काटने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। व्यापारियों ने हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन में बताया कि बुधवार सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक शासकीय प्रशासन की बिना अनुमति के 50-60 पेड़ काट दिए गए हैं, जिससे क्षेत्रवासियों में आक्रोश देखा गया। उन्होंने बताया कि विगत दिनों राज्य सरकार की नगरपालिका अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही के कारण टेगोर मार्ग कमल चौक बंगला नंबर 50 क्षेत्र में विगत दिनों से कुछ असामाजिक लोगों द्वारा 40 वर्ष पुराने करीब 50-60 हरे पेड़ काट दिए गए हैं और लकड़ी ट्रैक्टर ट्रोली में भरकर अवैध रूप से तस्करों को बेची जा रही है। पेड़ काटने की घटना विगत 2 दिन से जारी है। बंगला नंबर 50 चारों तरफ से ढका होने के कारण आम नागरिकों को इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। कमल चौक घुमटी एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों एवं क्षेत्रवासियों द्वारा जिलाधीश मयंक अग्रवाल को ज्ञापन पत्र प्रेषित कर उक्त क्षेत्र में अवैध पेड़ कटाई को रोककर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई कर दोषी आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की जाएगी। हरे भरे पेड़ काटना तो देखो अपनी संस्कृति में खिलाफ ही है, क्योंकि कैसे कैसे इंसान भला करता है, लेकिन जिस तरीके से काटे गए और हमारा वीडियो बनाते टाइम हमको देख के भगे, तो मतलब कहीं ना कहीं विदाउट परमिशन ये काम हुआ है। और गवर्नमेंट कहती है कि अभी अभी वृक्ष लगाओ ताकि पॉल्यूशन भी कम हो, तो कम से कम संबंधित अधिकारी को इस संबंध में ध्यान रखना चाहिए था। हमें आज अभी शाम को मालूम पड़ा कि यार पेड़ कट रहे हैं, तब हमने जाके वीडियो बनाया। अब कल हम ज्ञापन वगैरह देंगे कलेक्टर को या संबंधित अधिकारी को कि इतने सारे पेड़ एक साथ, कम से कम 30-40 पेड़ एक साथ कैसे काट दिए। इसके बारे में जानकारी तो नहीं मिली है कि किसके इशारे पे काटे गए, लेकिन हरे भरे वृक्ष काटना अवैधानिक है। और मुख्यमंत्री महोदय भी कहते हैं और प्रशासन भी कहता है कि हरे पेड़ लगाओ, लेकिन उसके बावजूद भी हरे पेड़ धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं। और बंगला नंबर 50 में 50 से अधिक पेड़, कम से कम 40 साल पुराने पेड़ काट दिए गए बेरहमी से। और इस जो मुख्यमंत्री महोदय और प्रशासन कहता है उस पर अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए अधिकारियों को इस पर कार्रवाई करना। नीमच से आसिफ अली की ये रिपोर्ट।